दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। आज रात शनि होंगे वक्री, चार राशियों की लगेगी लॉटरी, चार राशियों की पलटेगी किस्मत, चार राशि को होगा भयंकर नुकसान। दोस्तों न्याय के देवता और कलयुग के महाराज भगवान शनिदेव आज रात को एक बार फिर से अपनी चाल बदलने जा रहे हैं, जिससे एक साथ तीन बड़े राज्यों का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज रात 10:48 पर शनि कुंभ राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद कुंभ राशि में 4 नवंबर 2023 की सुबह 8:26 तक शनि ग्रह वक्री रहकर एक बार पुनः मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। और दोस्तों शनि की वक्री यानी कि उल्टी चाल के साथ सस्य महापुरुष योग, धन राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा, जो कि कई राशियों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इन राशि वालों को अब भगवान शनिदेव की कृपा से अब मिलेगी अपार खुशियां ही खुशियां। दोस्तों बता दें कि भगवान शनिदेव अब 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे कि अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। और इन राशि वालों के जीवन में अब शनि की चाल बदलने से आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनिदेव उल्टी चाल यानी कि वक्री चाल चलते हैं तो उसे वक्री शनि कहा जाता है। पृथ्वी से देखने पर शनि उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं। भौगोलिक रूप से शनि की गति की दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वर्तमान में शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में विराजमान है। शनि इस राशि में साल 2025 तक रहेंगे, फिर इसके बाद मीन राशि में यात्रा पर होंगे। बता दें कि शनि की कुंभ राशि होने से सस्य महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। वहीं कुंभ राशि में सीधी चाल से केंद्र त्रिकोण राजयोग भी शनिदेव बनाएंगे। वहीं शनि वक्री के कारण 20 साल बाद धन राजयोग का भी निर्माण करेंगे, जिससे कि कुछ राशि वालों का नसीब बदल जाएगा और इन राशि वालों को बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके ऊपर भगवान शनिदेव की चाल बदलने के कारण इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। इससे भगवान शनिदेव का आपको सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताओं की मान्यता है। इन सभी देवी देवताओं में शनिदेव का नाम सबसे ऊपर आता है और ग्रहों में भी शनिदेव का सबसे नाम ऊपर आता है। शनिदेव जिसके ऊपर एक बार प्रसन्न हो जाए तो रंग को भी राजा बना देते हैं, और अगर इनकी कुदृष्टि पड़ जाए तो राजा को भी रंक बना देते हैं। दोस्तों शनिदेव की पूजा आराधना करने से, शनिदेव की भक्ति करने से शनिदेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी ये तुरंत रिजल्ट भी देते हैं। दोस्तों बता दें कि अब आज रात से कुछ राशि वालों की किस्मत चमकाने वाले हैं भगवान शनिदेव। आज रात से कुछ राशि वालों की किस्मत सातवें आसमान पर रहने वाली है। अब इनके भाग्य को भगवान शनिदेव स्वयं बदलने वाले हैं। अब इनके जीवन में लॉटरी सट्टा इनकम आय में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। बता दें कि कई सालों के बाद ऐसा राजयोग भगवान शनिदेव बना रहे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं एक एक करके आखिर कौन कौन सी भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनकी लॉटरी लगने वाली है, कौन कौन सी भाग्यशाली राशियाँ रहेंगी जिनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और कौन कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जिनको सामान्य फल मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि।
बता दें दोस्तों कि अब आपके भाग्य में वृद्धि होगी, इनकम आय में जबरदस्त वृद्धि होगी। बता दें कि आपके एकादश भाव पे शनिदेव का वक्रगत अवस्था होने से लाभ की स्थिति बनी रहेगी, इनकम आय में वृद्धि होगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। लगातार आय बढ़ने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में आपको दुगुना धन लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी। आपको भगवान शनिदेव की इसमें पूजा आराधना करके काले तिल का दान जरूर करें, काली उड़द का भी दान जरूर करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बात करें अगली राशि वृषभ की, तो देखिए वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए भगवान शनिदेव की ये जो वक्री चाल है ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगी। बता दें कि इसमें आपकी इनकम बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा, कई बड़े क्षेत्रों से आपको लाभ देखने को मिलेगा, बड़े व्यापार में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं तो पारदर्शिता रखिएगा, विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़िए, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बता दें कि इसमें आपको भगवान शनिदेव की शुभ दृष्टि को और भी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सरसों को तेल का दान जरूर करना चाहिए, जिससे भगवान शनिदेव की अपार कृपा प्राप्त हो। बात करें मिथुन राशि की, तो देखिए आपके भाग में वृद्धि होगी, भाग का उदय होगा, लंबी दूरी की यात्रा होगी, धर्म कर्म के कार्य करेंगे, माता पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा, शिक्षा में आपको बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, संतान को लेकर भी चली आ रही समस्याएं दूर होंगी, प्रेम जीवन में खुशियों का संचार देखने को मिलेगा। आपको शनिदेव के शुभ फलों में और भी वृद्धि करने के लिए और अशुभ दृष्टि से बचने के लिए आपको काले कुत्ते को एक रोटी में काला सरसों यानी कि काले तिल और सरसों का तेल चुपड़ कर जरूर खिलाएं, इससे आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि को आपको आपके लिए शनि वक्री गत जो चाल बना रहे हैं ये आपके लिए थोड़ा सा कष्ट प्राय हो सकता है, सावधानी बरतें, गाड़ी वाहन का थोड़ा सा संभल के चलाएँ और गाड़ी वाहन से सावधानी बरतें, चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना या फिर किसी न किसी काम में रुकावट व्यवधान पैदा हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इम्पोर्टेंट कुछ निर्णय ले सकते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको इसमें शनिदेव की पूजा आराधना जरूर करें, जिससे आपके जो कष्ट हैं, जो भी आपको मिलने वाली परेशानियां हैं, उससे मुक्ति मिले। बात करें सिंह राशि की, तो देखिए सिंह राशि को आपको भगवान शनिदेव चूँकि सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, तो इसलिए आपको पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो पारदर्शिता रखिएगा, विश्वास भरोसे के साथ आगे बढ़िए, और वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर उथल पुथल की स्थिति मच सकती है, हालांकि थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात रहेगी, और जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना लें। इसमें आपको भगवान शनिदेव की पूजा आराधना करें और उनके मंत्रों का जाप करें। बात करें यहाँ पर कन्या राशि की, तो देखिए आपके छठे भाव को प्रभावित करेंगे, छठा भाव रोग ऋण कर्ज का होता है, कई प्रकार के यानी कार्यों का होता है, नौकरी का होता है, नौकरी में आपको लाभ होगा, लेकिन ऋण कर्जों से परेशान हो सकते हैं, उधार लिया हुआ पैसा वापस लौटाना पड़ सकता है, लेकिन किसी को उधार कर्जा ना दें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, नौकरी जॉब में आपको परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, इसलिए शनिदेव के मंत्रों का जाप करें और काले तिल का दान जरूर करें, इससे विशेष लाभ होगा। बात करें यहाँ पर हम तुला राशि की, तो देखिए आपको शिक्षा में लाभ होगा, प्रेम जीवन में खुशियाँ लौट कर आएंगी, संतान की प्राप्ति होगी, कई बड़े अच्छे सुनहरे मौके मिलेंगे, अभी तक अगर कोई कार्य नहीं बना या फिर कामयाबी नहीं दस्तक दे रही थी तो निश्चित तौर पे कामयाबी दस्तक देगी, घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ देखने को मिलेगा, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। बात करें अगर यहाँ पर हम वृश्चिक राशि की, तो देखिए आपको इनकम में वृद्धि होगी, कई बड़े क्षेत्रों से लाभ होगा, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, इनकम तेजी से बढ़ने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, लॉटरी सट्टा में भाग अजमाएंगे तो आपको लाभ होगा, जमीन प्रॉपर्टी में लाभ होगा, पुरानी जमीन प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं। बात करें धनुराशि की, तो धनुराशि के तहत आपको तेजी से लाभ होगा, कुछ महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में भी आपको बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, भगवान शनिदेव की कृपा से आप को व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी, घर का निर्माण करेंगे, सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी। बात करें अगर यहाँ पर हम मकर राशि की, तो देखें मकर राशि को आपको कई बड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा और अपने दम पर अपने काबिलियत के दम पर आप कामयाबी प्राप्त करेंगे, शनिदेव की कृपा बनी रहेगी, साथ ही साथ बताएं कि विदेश से धन आएगा, विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो विशेष लाभ होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन संबंधित समस्याएँ दूर होंगी, इनकम बढ़ने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, शनिदेव की पूजा आराधना जरूर करें।
बात करें यहाँ पर हम कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि को आपके स्वयं की राशि पे शनिदेव वक्री यानी कि होने जा रहे हैं, इसलिए आपको इसका सबसे ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि राजयोग धनयोग का निर्माण होगा, शश महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं, इसलिए इनकम बढ़ने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। शनिदेव से संबंधित पूजा उपाय जरूर करें, लाभ होगा। बात करें मीन राशि की, तो देखिए आपको विदेश जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, हॉस्पिटलाइज खर्च बढ़ सकते हैं, हानि व्यय को दर्शा सकता है, जेल मुकदमे से अगर कोई मुकदमेबाजी चल रहा था तो थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है, लेकिन विदेश के लिए काफ़ी शुभ समाचार मिलेगा, विदेश जाने की योजना बना सकते हैं, विदेशी कंपनी से लाभ होगा, विदेश से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो ये था दोस्तों इन सभी राशियों का शनिदेव का प्रभाव, जो शनिदेव आज रात वक्री होने जा रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा जय शनिदेव साथी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।